क्या कर रही, ये क्या कर करने लगी? हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मनुज्योति ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो आज अभी मॉर्निंग से वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं, पतिदेव जी अभी जाने वाले हैं थोड़ी देर में। तो आज हम इसकी सब्जी बना रहे हैं, इसको हम क्या बना कहते हैं, क्या कहते हैं बाबू इसको? ककोरा। ककोरा, ये ककोरा, ये वो कुछ भी मतलब यार, ये क्या होते हैं? करेला, करेले का छोटा बच्चा है ये, करेले का भाई, भाई नहीं बच्चा है ये, देखो कितना सुंदर सा क्यूट सा है। और इससे पहले ये पहने नहीं थे, अब ये पूरे वीडियो में तब तक ये इस बनियान को पहने रहेंगे जब तक ये खत्म नहीं हो पाएगी। हेयर स्टाइल देखना, पूरे बाल इन्होंने इधर से ये पूरे साफ करा दिए, और ये इतने नन्हे रखे कि हम पकड़ ना पाए, ऐसे देखना कुछ भी आ नहीं रहा, इसलिए ये छोटे कराते हैं, आर्मी मैन बन के रहते हैं। कितने छोटे बाल हैं। हाँ, बड़े छोटे बाल। अभी हम लोग वीडियो एडिट भी कर रहे हैं, खाना भी बना रहे हैं, नाश्ता पानी हो गया है, और आज मैं बहुत सारे काम करूंगी, तो वीडियो अभी तो स्टार्ट हुआ है। इधर मेरा लैपटॉप रखा है, बट देखते हैं कब तक कंटिन्यू रहता है, और ये इसमें एक दो दिन की क्लिप जुड़ते हैं या आज भर की जुड़ती, क्या होता है। बाकी आप लोग वीडियो में बने रहना है। ये देखो काटने के बाद भी ये बिल्कुल करेले जैसे ही निकलता है, सब्जी है ये, बहुत तो ये पौष्टिक आहार है, पौष्टिक आहार है। जैसे बड़ा वो थी क्या था, भंगार, बड़ा कटहल का छोटा भाई, कटहल का छोटा भाई वो था, ये करेले का छोटा भाई है। चलो अभी मिलेंगे, हम बना लें, क्योंकि फिर वीडियो कोई नहीं बना होता है, तो हम अकेले ही शूट करेंगे जो भी करेंगे। चलो मिलते हैं फिर। गाइस टाइम हो गया इनके ऑफिस का, तो अभी ये निकल रहे, वो देखो कमरे में अंदर है पैक अभी, और इधर धूप आ जाती है, जाल खुला है ना, इसलिए सुबह बहुत गर्मी होती है यहाँ पे आंगन में। चले, कैसा लग रहा हूँ? देख रहे कुछ ज्यादा ही बनना है आज, क्योंकि इनने अपनी शेविंग कराई, अभी आपको पूरा लुक दिखाएं। वो देखो गए, ये इनकी बाइक काफी पुरानी हो गई है तुम्हारी बाइक, क्यों? नहीं, मेरी बाइक सही है। तुम्हारी बाइक कब की है बताओ? 11 की, जब 11 हम मिले थे जब। इस बाइक से हम भी खूब घूमे हैं, फर्राटे में अभी भी घूम रहे हैं, और क्या। चलो ये तो गेट के बाहर, बाय करो सबसे, चलो ठीक, टेक केयर, बाय। तो अभी वो दोपहर में आएंगे नहीं, क्योंकि खाना ले गए हैं, तो अभी आगे में क्या क्या करूँगी वो आप लोगों को दिखाऊंगी। और बिंदी कल वाली लगी, क्योंकि बड़ी बिंदी जल्दी निकलती नहीं है, तो अभी ये जब तक निकलेगी नहीं तब तक हम इसको निकालेंगे नहीं, तो अभी फिर मिलते हैं, देखिए ये क्या करते हैं। तो गाइस अभी मैं लगाने जा रही हूँ बालों में मेहंदी, जो मैंने सुबह उठ के ही मतलब उसको धो लिया था, तो अभी स्टार्ट करते हैं लगाना, और वीडियो कर देंगे फास्ट फॉरवर्ड, क्योंकि ये हो जाएगी बहुत लंबी वीडियो, नहीं तो है ना। तो दोस्तों अभी बज गया है 1, और हम खाना खाने जा रहे थे, वाइट काबिली भी याद आया आप लोगों से पूछते हैं, तो आज ये वाली सब्जी और रोटी बस, बाकी पानी हमने रख लिया है, तो अभी खा लें, आप लोग भी आइए खाइए आके, बहुत टेस्टी बने हैं। एक बाइट मैंने खा ली अभी, बस जस्ट एसी चला ली, बहुत गर्मी है, उमस वाली अजीब सी गर्मी है, ये देखिए आप लोग भी खाइए, दिखा खा लेते हैं, फिर उसके बाद मिलते हैं, ठीक है।
खाना खाने के बाद गाइस मुझे याद आया मेरी ये चटाई है ना, देखो कुछ इस तरह से यहाँ से निकलने लगी है, तो ये थोड़ी थोड़ी करके पूरी निकल जाएगी फिर ये बेकार हो जाएगी, तो इस पे बैठ के हम लोग खाना वगैरह खा लेते हैं या फिर कहीं पे भी बिछा के बैठ जाते हैं। तो मैंने कहा लाओ इसको ही सही कर देती हूँ आज, जब मैं आज लेट तो सकती नहीं हूँ क्योंकि मेरे लगी हुई है मेहंदी बालों में, तो मैंने आज जितने भी काम थे ना पेंडिंग वाले वो सारे कर लिए और कुछ अभी रह भी गए हैं तो वो भी मैं करूँगी, हो सकेगा तो वीडियो बना दूँगी, नहीं तो फिर मैं काम तो करूँगी ही जो रह गए हैं थोड़े बहुत। तो यहाँ पे मैंने इनको बराबर से मोड़ लिया है, उसके बाद बड़ी वाली सुई से इसको सिल लिया क्योंकि ये मशीन से तो बिल्कुल नहीं सिल सकती है। इस पर मैं कपड़ा लगाने की सोच रही थी पर हस्बैंड जी ने बोला कि कपड़ा लगाओगे तो अलग से दिखेगा, ऐसे समझ में नहीं आ रहा कि चटाई मतलब मोड़ के सिली भी है या नहीं, तो उसको ऐसा ही रहने दो। तो फटाफट से सिल ली और फिर मैंने इसको धुलने के लिए डाल दिया। चलिए शाम को मिलते हैं हम लोग। ये पधारिए साहब पधारिए, ये देखिए आ चुके हैं, गए तो बड़े गोरे गोरे होते, काले होके आए एकदम ब्लैक ब्यूटी। तो अभी ये अपनी ड्रेस व्रेस चेंज करेंगे फिर इनके लिए बनाते हैं चाय। इधर आओ देखो हम इन्हें सुबह कैसा भेजते हैं। हाँ अब थोड़े नेक चमके, कल ये ज्यादा दिखा रहे थे हम गोरे हैं गोरे हैं, हो गए करके मिलते हैं। सो गाइस हम नहा चुके वैसे ही आ गए, तो बस अभी चाय बनाए एकदम सही टाइम पे आए तो फिर चाय पीते हैं और आप लोग भी पीजिए। बाल धुल चुके हैं, कलर हो गया मेहंदी का अच्छे से, तो अभी मिलते हैं 2 मिनट में। तो दोस्तों अभी चाय बन गई है, चाय के साथ है बिस्किट, ये देखो चाय बिस्किट और ये मखाने व्रत वाले लोगों के लिए। तो दोस्तों अभी चाय वाय पी ली है, आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, जो भी कुछ मैंने आज पूरे दिन किया वो आपके साथ शेयर की थोड़ी थोड़ी क्लिप। और बहुत ज़्यादा थकान हो गई है बाल धुलने के बाद मेहंदी वाले, गर्मी भी बहुत लगती है और अभी बहुत घने वाले बादल आ रहे हैं तो हो सकता है बहुत ज़्यादा है ना बारिश हो। और हस्बैंड जी अभी खाने पीने में लगे हैं, बाकी पूरा बने हैं कांटे वाली सब्जी, टॉर्चर करने का नया तरीका बीवियों के। तो और क्या खाओगे बताओ, हम अभी बना देंगे उसमें क्या खाते हैं। तो खाने की अब नहीं दिखाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है और खाना अभी देखते हैं क्या बनाते हैं, अगर वीडियो एडिट करने के बाद देखेंगे कितना लंबा हो गया ज़्यादा अगर बड़ा। आ गए मेरे सोने सजन, आइए आपका इंतज़ार था, बहुत देर से गए हैं मार्केट, आज इनका चौमीन खाने का मन था बहुत दिनों नहीं सालों के बाद, तो अभी देखते हैं क्या हुआ, टाइम बहुत लगा। पागल हो गए कुछ नहीं कर आए हैं सामान आवान, देखते हैं इनका मूड सही नहीं है क्या। चौमीन कहूँ नहीं मिली, नहीं मिली कपड़ा, हाँ उतारो कपड़ा बस ऑडियंस को जा बताया तो चौमिन खाने का मन था तो मिली नहीं ना, नहीं। कोई बात नहीं कुछ और ले आए, चलो ठीक खाओ। तो पति देव लेकर आए हैं पेटीज नमकीन, क्योंकि आज इनका नमकीन खाने का मन था और हम नहा चुके तो इन्होंने कहा अब तुम खाना ना बनाओ गर्मी में, तो ये देखिए ये भी खाएंगे। खाना ना बनाने की वजह से नहीं लाए, मेरा चटपटा खाने का मन था इसलिए खाना तो बना रखा है देखो है इतना मुझे लाड़ करते हैं ये, और मेरे लिए देखो छेने लाए हैं, हम कल ही हमने ऐसे ही कह दिया था छेने खाने का मन हो रहा तो मेरे लिए ले आए 2 छेने, क्योंकि ये खाएंगे हम खाएंगे नहीं। और बाकी प्रसाद खत्म हो गया था देवी माता का तो मंगा लिया, ये देखो है हाँ प्रसाद हम हटा दे तो आप खाओ, तो इसको हम लोग रख देंगे मंदिर में और खाना रखा हुआ है वो हम खा लेंगे अभी। तो ये देखो मंदिर में रख दिया, अभी हमारा दीपक भी प्रज्वलित है क्योंकि अभी आरती की थी, तो प्रसाद सुबह है अभी थोड़ा सा लेकिन ख़त्म होने वाला था, तो बस यहीं पे अब वीडियो एंड करेंगे। खाइए आप लोग भी खाइए जिसको पेटीज अच्छी लगती है नमकीन वाली, ये दिखाना जरा इसकी स्टफिंग क्या आलू भरा है, चलो ठीक है खाओ। ये गरी मुझे बहुत अच्छी लगती है इसलिए ये ले आते हैं, क्योंकि मेरी बच्चों जैसी आदत है कुछ ना कुछ खाने के बाद रात में खाने की, जब मेरा मन होता तो हम गरी खा लेते थोड़ी सी ऐसा कौन है बताना ये देखो।
गाइस मेरी आदत है कि खाना खाने के बाद कुछ ना कुछ खाने की, तो मैं गरी खा लेती हूँ क्योंकि ये मेरे लिए ठीक भी है और नुकसान भी नहीं करती, अच्छी चीज़ है। तो बस ये ले आए थे और बहुत देर से गए हुए हैं, चाउमीन नहीं मिली। जब मन होता कोई चीज़ खाने का बहुत दिल से, तो कभी कभी ऐसा होता कि वो चीज़ नहीं मिलती है। और बस अभी हम इस वीडियो को एंड करेंगे। अभी हम लोग ये खा पी के छत पे थोड़ी देर नहीं, कम से कम 1-2 घंटे बैठेंगे, टहलेंगे, फिर नीचे आएंगे क्योंकि आज गर्मी बहुत ज़्यादा है। लेकिन बादल होगा तो हवा अभी ठंडी चलने लगी, तो नेचुरल हवा भी लेनी चाहिए क्योंकि घर में ही रहते हैं और ये ऑफिस में रहते हैं, तो हम लोग छत पे ही निकल जाते हैं सुबह भी और शाम को भी खाना खाने के बाद। तो बस आज की वीडियो, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो। वीडियो बनाने में थोड़ी बहुत मेहनत लगती पर आपके लिए सब कुछ कर सकते हैं, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताना वीडियो अच्छी लगी या नहीं। और हस्बैंड जी को बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, तो वो अभी कपड़े वपड़े चेंज कर रहे हैं, इसलिए मैं अकेले वीडियो एंड कर रही हूँ। और आप थोड़ा सा हाय बाय कर दीजिए, बाय हाथ से कर दे खा लेने दो, बेचारे को भूख भी लगाई क्योंकि 7:30 बजने जा रहे हैं। तो बस इस वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर, और चैनल पे अगर मेरे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। और थैंक यू सो मच इतना प्यार और सपोर्ट दुलार देने के लिए। ऐसे ही आगे देते रहिए, आगे बढ़ाते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, बाय, गुड नाइट।